अगर आपको जंक फूड खाना बहुत पसंद है और आप उसे बंद भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ फास्ट फूड कंपनीज के बारे में कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। घिनौने रहस्यों से भरी पड़ी है फास्ट फूड इंडस्ट्री और इस वीडियो में मैं उन्हें एक एक करके आपको बताऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां आम लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नाम पर बेवकूफ बना रही हैं। अगर आप नेचुरल का मतलब ये समझते हैं कि पेड़ और पौधे, तो दोबारा सोचिए। फ्रेंच फ्राइज से लेकर आइसक्रीम, चिकन से लेकर चॉकलेट तक, इन सभी में डाली जाती हैं अजीबोगरीब चीजें। तो उन आलू के चिप्स के पैकेट को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में आपको उनके बारे में कुछ घिनौना पता चल जाए। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। बात करते हैं सबसे पहले आइसक्रीम की। क्या आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है? और अगर वनीला फ्लेवर आपका फेवरेट है तो शायद आप उसे अब खाना बंद कर दें। दोस्तों, एक बेसिक आइसक्रीम बनती है दूध, क्रीम, चीनी और कभी कभी अंडों से, लेकिन कमर्शियल आइसक्रीम्स में काफी सारे स्टेबलाइजर्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि प्रॉपर टेक्सचर आ सके और लंबे समय तक खराब ना हो। चलो ये सब तो ठीक, लेकिन वनीला आइसक्रीम में एक स्पेशल फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाला जाता है जिसका नाम है कैस्टोरियम। आप सोच रहे होंगे कि कैस्टोरियम में क्या गड़बड़ है। कैस्टोरियम दरअसल बीवर नामक जानवर के गूदे के पास के ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जिस तरह से कुत्ते यूरिन करके अपना एरिया मार्क करते हैं, उसी तरह से बीवर भी कैस्टोरियम को सिक्रीट करके अपनी टेरिटरी बनाते हैं। अब सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जब कैस्टोरियम को बीवर के यूरिन में मिक्स किया जाता है तो ये बिल्कुल वनीला की तरह ही स्मेल करता है। हो गया ना नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस। मैक्सिमम कंपनीज जो वनीला का नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंस डालती हैं, वो इसी को ही यूज करती हैं। यही नहीं, कैस्टोरियम का इस्तेमाल परफ्यूम्स वगैरह में भी होता है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई ऐसी वनीला आइसक्रीम खाएं तो उस बीवर को जरूर थैंक्स कीजिए जिसकी वजह से आपको ये फ्लेवर मिल रहा है। नेक्स्ट है बियर। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बेवरेज है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और फिर भी बियर पीते हैं तो शायद आपको ये बात जानकर बहुत परेशानी हो। बियर 7000 सालों से मार्केट में चल रही है, लेकिन इसको बनाने का तरीका आज के दौर में बिल्कुल बदल चुका है। बियर बनाने के लिए जौ की कटाई करने के बाद उसे गर्म करते हैं, ग्राइंड करते हैं और फिर एक फर्मेंटिंग वेसल में डालकर उसमें यीस्ट मिक्स करते हैं ताकि बियर फेज करे। लेकिन यहाँ कुछ कंपनीज एक और इंग्रेडिएंट डालती हैं जिसका नाम है आइसिन ग्लास। आइसिन ग्लास निकलता है मछली के सूखे हुए मूत्राशय से। जी हाँ, एक ड्राइड फिश ब्लैडर। और क्या आपको पता है कि इस इंग्रेडिएंट का यूज क्यों होता है? सिर्फ इसलिए ताकि बियर साफ दिखे। तो आप समझ सकते हैं कि बियर सिर्फ अच्छी दिखे इसलिए ये सब डाला जा रहा है। कंपनीज का इस पे ये कहना है कि बहुत थोड़ा सा ही आइसिंग ग्लास रहता है फाइनल प्रोडक्ट में, फिर भी वेजिटेरियन को तो थोड़ा सा भी फिश ब्लैडर गवारा नहीं। खैर, ऐसा तो नहीं होगा कि सभी बियर ब्रांड्स इसका यूज करते हैं, लेकिन जो बियर ब्रांड आपको पसंद है वो यूज करता है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड फूड कलर की। दोस्तों, मार्केट में अधिकतर लाल दिखने वाली चीजें जैसे कि कैंडीज, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, शेक्स, जूसेस, यहाँ तक कि लिपस्टिक्स पर लाल रंग किस इंग्रेडिएंट से चढ़ता है ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सन 2012 में ये इंग्रेडिएंट स्टारबक्स की स्ट्रॉबेरी फ्रैपुचिनो में भी पाया गया था, जिस पर लोगों ने खूब हंगामा किया था। हालांकि बाद में स्टारबक्स ने इसे यूज करना बंद कर दिया। इस इंग्रेडिएंट का नाम है कारमाइन, जिसे रेड फूड डाई भी कहते हैं, और ये सो कॉल्ड नेचुरल रेड कलर बनता है क्रश्ड बग्स से। जी हाँ, कुचले हुए कीड़े। अगर आप इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं तो खुद इस तरह की लाल दिखने वाली चीजों के इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लीजिए। उसमें कारमाइन या रेड डाई फोर या कोचिनियल एक्सट्रैक्ट को सर्च कर लीजिए। ये तीनों उसी कोचिनियल कीड़े के डाई एक्सट्रैक्ट के अलग अलग नाम है। कोचिनियल कीड़ों को सुखाकर, कुचलकर एक मिक्सचर में सोक किया जाता है जिससे कि ब्राइट रेड कलर बनता है। एक पाउंड कारमाइन के लिए ऐसे 70,000 कीड़ों को कुचला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटैटो चिप्स के बारे में। इतना तो खैर आप समझते ही हैं कि पोटैटो चिप्स कोई बहुत हेल्दी नहीं होते, लेकिन हाई सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और सिंपल कार्ब्स के अलावा भी इनमें कुछ ऐसा पाया गया है जिसे जानकर शायद आपका पोटैटो चिप्स खाने का मन ना करे। वो केमिकल कंपाउंड है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि टॉयलेट क्लीनर में तो यूज होता ही था, अब तो ये पोटैटो चिप्स में भी डाला जा रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड एक प्रिजर्वेटिव है जो चिप्स को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता और डिसकलरेशन से भी बचाता है। FDA और बाकी हेल्थ एजेंसीज का कहना है कि चाहे बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में सोडियम बाइसल्फाइड सेफ है, लेकिन फिर भी ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। यहाँ तक कि 1986 में जब सोडियम बाइसल्फाइड को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर लगाया गया तो उनको खाकर 13 लोगों की उसी वक्त
मौत हो गई थी। इनमें से काफी लोग अस्थमेटिक पेशेंट्स थे। पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनीज का ये कहना है कि जब तक उन्हें इसका कोई बेटर सब्स्टिट्यूट नहीं मिल जाता, वो इसे यूज किए बिना अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती। ये तो मनी ओवर हेल्थ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड ब्रेड्स। दोस्तों, मार्केट में मिल रही फैंसी ब्रेड्स और रेस्टोरेंट्स में मिल रही एप्पल और चेरी पाइज में कुछ ऐसा है जो आपको शायद परेशान कर दे। L-cysteine। कमर्शियली L-cysteine एक डो कंडीशनर की तरह यूज होता है ताकि ब्रेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और अलग अलग शेप्स, यहाँ तक कि बिस्किट्स और पाइज में इजीली यूज हो सके। वैसे L-cysteine के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि L-cysteine को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बालों से। जी हाँ, रिपोर्ट में पाया गया है कि चाइना के सैलॉन्स में कटे हुए बालों को जमीन से उठा उठा के उनको एसिड में डिजोल्व करके L-cysteine एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि कमर्शियल ब्रेड्स में यूज हो सके। USA में L-cysteine को डक फेदर से बनाया जाता है। L-cysteine को यूरोप में तो बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था, लेकिन चाइना और US में ये आज भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स में एप्पल पाई खाएं तो सोच लेना कि इसमें L-cysteine भी है। नेक्स्ट है च्यूइंग गम। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ह्यूमंस च्यूइंग गम्स 5000 से 9000 सालों से चबा रहे हैं, लेकिन एक च्यूइंग गम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स पहले यूज किए जाते थे आज उनसे बिल्कुल अलग है। पहले के दिनों में च्यूइंग गम ट्री रेजिन से बनती थी, मेनली चिकल, जो कि सेपोडिला नामक पेड़ का रस है। आजकल बहुत ही रेयर कंपनीज हैं जो चिकल का इस्तेमाल कर रही हैं। मैक्सिमम कंपनीज एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करती हैं, एक रबड़ जैसा मटेरियल जिसका नाम है पॉलीआइसोब्यूटिलीन। ये वही मटेरियल है जिससे टायर के ट्यूब्स मैन्युफैक्चर होते हैं। पॉलीआइसोब्यूटिलीन को फूड ग्रेड प्लास्टिसाइजर्स के साथ मिक्स करके च्यूइंग गम बनाई जा रही है। पॉलीआइसोब्यूटिलीन को यूज करने का रीजन यही है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है और सस्ते में ही च्यूइंग गम बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन इसे तो नकारा नहीं जा सकता कि आप एक्चुअली रबर ही चबा रहे हैं। आखिर में बात करते हैं चिकन नगेट्स की। क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, डोमिनोज और बाकी ऐसे रेस्टोरेंट्स में चिकन नगेट्स कैसे बनाए जाते हैं? इसके प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिकली सेपरेटिंग द चिकन। बेसिकली चिकन को लार्ज ग्राइंडिंग मशीन्स में डाला जाता है जिससे कि चिकन की चटनी सी बन जाती है। इसमें चिकन के सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि चिकन की हड्डियां, आंखें, चोंच वगैरह, मतलब कि जो पार्ट्स आप नहीं भी खाना चाहेंगे वो भी। इसे और भी बदतर बनाने के लिए इस मिक्सचर को अमोनिया गैस के चैम्बर से पास किया जाता है ताकि अगर वेस्ट में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो मर जाए। फिर इन नगेट्स को आर्टिफिशियली कलर करते हैं ताकि वो अजीब सा दिखने वाला पिंक कलर हट जाए। और क्या आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले चिकन सॉसेजेस इतने शाइनी कैसे होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो शाइनी पार्ट है वो बनता है एनिमल इंटेस्टाइन से। और ये तो आजकल काफी नोन है कि जो चिकन के पार्ट्स यूज में नहीं आते उनको मिक्स करके ही बनाए जाते हैं चिकन सॉसेजेस, फिर चाहे वो लिप्स हो या बट्स। सो अगली बार जब आप चिकन नगेट्स या सॉसेजेस खा रहे हो तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आप चिकन का कौन सा पार्ट चबा रहे हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये बाहर की बड़ी बड़ी फूड कंपनियां अपने प्रॉफिट के चक्कर में आम लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। खैर, इन्हें जो करना है वो करेंगी, लेकिन एक जागरूक ग्राहक होते हुए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज की समझ रखें कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं। मैं आपको जंक फूड बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा कट तो जरूर करना चाहिए। सबसे जरूरी तो यही है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑरिक का, जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया। दोस्तों, अब आप पी सकते हैं एक ऐसी ड्रिंक जो डाइजेशन के अलावा स्किन, हेयर और वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। ऑरिक लाए हैं बेवरेज फॉर स्किन, हेयर और वेट लॉस। ये बनी है आयुर्वेदिक हर्ब साथ में नारियल पानी और फ्रूट जूस के साथ। मार्केट में मिल रही अधिकतर पैकेज ड्रिंक से ये बहुत बेटर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डाले हुए। 100 ml ऑरिक की बोतल देगी सिर्फ 14 कैलोरीज। ऑरिक ने वेट बैलेंस ड्रिंक बनाई है फैट बर्निंग हर्ब गार्सिनिया कम्बोजिया के साथ, जिसमें बीट रूट, हल्दी, काला नमक और जामुन भी है। ऑरिक ने हेयर फॉल के लिए भी खास ड्रिंक बनाई है जिसमें ब्राह्मी, आंवला और एलोवेरा डाला है। ऑरिक के ड्रिंक्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलिए, जिससे आपको मिलेगा 25% ऑफ अपने ऑर्डर पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहेंगे? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलरली Q&A सेशंस करता रहता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।